लॉकडाउन के समय जब सारा देश कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में जुटा हुआ है, वहीं जरूरतमंदों को भोजन पहुंचाने के लिए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह की देखरेख में महिला थाना की टीम द्वारा महिला थाने पर ही भोजन बनाकर उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। महिला थाने की कर्मचारी सुरक्षा ड्यूटी के साथ साथ भोजन पकाना, पैक करना तथा उसे जरूरतमंदों तक पहुँचाने का कार्य भी कर रही हैं। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें कोरोना वायरस जैसी बीमारी के संबंध में जागरूक भी किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह ने कहा, मोबाइल वगैरह हो गया ये? हाँ देखो मसाला साला कुछ कष्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्यों आए पता है तुम लोग को बताने के लिए कि कोरोना वायरस जो है खतरनाक बीमारी है। तुम लोग को अपने अपने घर में रहना है। अब 3 मई तक हो गया लॉकडाउन, 3 मई तक घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। खाने पीना हर चीज तुम लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है। तुम लोग खाओ पियो आराम से घर में, और दिन में कम से कम 10 बार हाथ धुलो। मुंह पे जब भी निकलोगे मास्क लगा के निकलोगे, मास्क नहीं लगाइयो, नहीं हो साड़ी से दुपट्टे से जैसे भी निकलना है। अगर तुम्हारे परिवार में आस पास किसी को भी खांसी जुकाम बुखार लंबे समय से आ रहा हो तो प्रशासन को बताओ, या कोई बाहर से आया हो कोई व्यक्ति, तुम्हें लग रहा है किसी तबीयत खराब है तो प्रशासन को बताओ, ताकि उसकी जांच कराई जा सके, पता किया जा सके उसको वायरस है कि नहीं है, उसको फैलने से रोका जा सके। हाँ, सबके दल। हाँ, तो तुम लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखो, घर में रहो, सब लोग सुरक्षित रहो। ये झुंड बना के बैठने की जरूरत नहीं है, ये मजाक नहीं है। अगर एक जाएगा इतना भारी बीमारी में मजाक, 3 महीने के बच्चे हो जा रहा है, अगर तुम सावधानी नहीं बरतोगे तो बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। तो अभी तक जैसे तुम शासन का सहयोग देखा रहेगा, 3 मई तक घर से बाहर नहीं निकलना है। आप जाना भी मत, ठीक है? ठीक है, चलो। महिला थाने की टीम द्वारा लगातार नगर और देहात के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर लोगों को कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ महिला थाना की टीम द्वारा जो भी जरूरतमंद हैं, जिनके घर पे अभी खाना नहीं बन सकता और ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि राशन दिए जाने के बाद भी वो भी खाना बना सके, उनके लिए महिला थाना की टीम निरंतर यहाँ पे थाने पर ही खाना बनाकर उनके घरों तक पहुँचा रही है, और ये हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा।